जो लोअर लेवल होगा उस लेवल में हम अपने ऑफिशियल कामों के लिए कमरे बना रहे हैं। बहुत प्रकार के काम होंगे, स्पेस बचाने के लिए हमने लोअर लेवल पर कमरे बना दिए हैं, तरह तरह के काम करेंगे। जो अपर लेवल है ये परिक्रमा का मार्ग बनाया है, इट इज फॉर परिक्रमा, यात्रियों की यात्री परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर की। दर्शन की लाइन बहुत बड़ी हो गई है, परिक्रमा के लिए बाहर निकल गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, दुनिया में विख्यात हो गए, प्रथम पूज्य हो गए। तो ये इसका उपयोगिता है और ये इसकी स्पेशलिटी है, इसकी विड्थ 14 फीट। एक दूसरा, इसके भी चारों भुजाओं पर 6 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा, राम सूर्यवंश में पैदा हुए। दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा। थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का। और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। राम भगवान विष्णु का अवतार, सूर्य शंकर भगवती गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है। 5 देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत, सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएगी। ये दक्षिणी भुजा है, यहां हनुमान जी होंगे, यहां पर माता अन्नपूर्णा। तो ये परकोटा इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और इसको बनने में भी हो सकता है 6-8 महीने और लगेंगे। वृद्धों के लिए क्या होगा, दिव्यांगजनों के लिए? तो यहां ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, यहां एक लिफ्ट बनाई गई है। ये लिफ्ट परकोटे में बनेगी, दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए, व्हील चेयर के लिए। पूर्वी दिशा मंदिर का प्रवेश द्वार, यहां पर 2 रैंप बनाए गए हैं व्हील चेयर के लिए। तो दिव्यांगजन, अतिवृद्ध लोगों के लिए व्हील चेयर के लिए रैंप और लिफ्ट का प्रोविजन रखा गया है। फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ 24, 7-8 महीने बाद यहां 7 मंदिर और बनेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राम को वनवास हुआ, पहली भेंट गंगा के तट पर केवट से हुई, मल्लाह से हुई है,
जिन्होंने नाव में बैठाकर नाव गंगा पार कराई। निषाद राज वो एक राजा है समाज का, तो निषाद राज का मंदिर बनेगा। ये निषाद राज का मंदिर आज भी वहां है जहां पर गंगा पार की गई थी। अयोध्या से जाइए इलाहाबाद पहुंचने के पहले लखनऊ रोड पर श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर लखनऊ से इलाहाबाद आएंगे तो श्रृंगवेरपुर पड़ेगा। गंगा के तट पर निषाद राज के मंदिर हैं या निषाद राज का मंदिर बनेगा। वनवास में राम की भेंट एक बूढ़ी माता से हुई है जिसको शबरी कहा गया है, शबरी का मंदिर बनेगा। किसी पत्थर की शिला को राम ने स्पर्श कर दिया, एक नारी प्रकट हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, मंदिर बनेगा। तो चार ऋषि, एक निषाद राज और एक शबरी अहिल्या, दो नारियों के मंदिर बनेंगे। तो चार तीन सात, राम के वनवास काल में जो अंतिम पात्र है उसका नाम है जटायु। जटायु का अंतिम संस्कार राम ने जटायु की गर्दन अपने गोद में रखकर किया है, जल अर्पण किया है। और जटायु की स्थापना यहां की गई है कुबेर टीला, यहां जटायु स्थापित कर दिए गए हैं। इसका नाम है टेंपल कॉम्प्लेक्स। अब तीर्थ यात्रियों के लिए क्या है? सामान्यतया आज धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, हमने अपनी प्लानिंग में जो बातें रखी हैं और जिन पर साइमल्टेनियसली काम चल रहा है और शायद 5-6 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात, 25,000 यात्री अगर आते हैं तो उनका सामान रखने के लिए लॉकर, जूता, जूता चप्पल मोबाइल पर्स छोटे छोटे बैग, इसकी व्यवस्था देखिए यहां पर है। इसका नाम है पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर, PFC, पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर। यहीं पर एक छोटा सा चिकित्सालय बनाएंगे, यात्री आया दर्शन करने के लिए उसे कुछ कठिनाई खड़ी हो गई तो यहां एक हॉस्पिटल रहेगा, थक गया आराम कर सकेगा। पंखे, पानी, चिकित्सालय, लॉकर, जूता यही जमा करेगा तब अंदर प्रवेश करेगा। यहां से निकलने के बाद जूते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नंगे पैर ही चलना होगा, गर्मियों में पैर नहीं जले इसका प्रोविजन करेंगे। अब 25,000 यात्रियों में से अगर 500 लोगों को इच्छा हुई वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। ये बारह, हाँ 50-100 शौचालय, स्नान गृह, यूरिनेशन, यूरिनल्स, ओपन टैप्स, वॉश बेसिन, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है।
केवल तीर्थ यात्रियों के लिए है, ये सौरभ शौचालय का नहीं है, ट्रस्ट का है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।